बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आज का व्लॉग आपको अनदर शॉपिंग व्लॉग मिलेगा, तो आपने जो है व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है और आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। और नए हो तो जल्दी से चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा ये है शॉपिंग व्लॉग, और मैं शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो है वो हमारे जो है वो ससुराल में लॉज में जो है वो अकीका सेरेमनी होने वाली है, यानी अकीका फंक्शन होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो है वो बच्चों की शॉपिंग करने आए थे, ठीक है। और उससे पहले जो है वो हमने अपना ड्रेस अरमानी वालों से, मैं आपको, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो प्रीवियस व्लॉग भी देखिएगा कि मैं अरमानी वालों से ड्रेस लेने आई थी। तो अनदर व्लॉग जो है वो, सॉरी, अनदर डे मुझे दोबारा आना पड़ा दूसरे दिन, क्योंकि मुझे वो ड्रेस नहीं समझ में आया और अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से हुआ, शॉप वालों की वजह से, क्योंकि वो खोल खोल कर ही नहीं दिखा रहे थे। वो साफ साफ कह रहे थे कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, इनका इंस्टा का पेज है, ठीक है, अरमानी प्रीमियम, उसके हिसाब से जो है ना इनका पेज है, उसके जो है ना इनका ऑनलाइन ही बिज़नेस होता है। लेकिन इनका आउटलेट जो है वो इधर खारादर में भी है, और एक आउटलेट जो है वो अभी तारिक रोड पर खुला है। तो मैं यहाँ पर आई थी इनका ये खारादर वाले आउटलेट पर, और इसे यहाँ पर मैंने ड्रेसेस खुलवाए थे। नो डाउट कि मैं जो है वो बहुत सारे मैंने ड्रेसेस खुलवा लिए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया। तो कुछ ऐसा ड्रेस था कि मुझे जो है अच्छा नहीं लगा कुछ, मतलब, तो इस वजह से मैं जो है दूसरे दिन आई हूँ इनका ड्रेस चेंज करवाने, ठीक है, अपना भी और अपनी सिस्टर का भी। और यहाँ पर मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ कैसे ड्रेस की कलेक्शन है। इनके फिक्स रेट होते हैं, कोई कंसेशन नहीं करते ये ड्रेस में, ठीक है, फिक्स प्राइस होते हैं। लेकिन नो डाउट इनका ड्रेस के डिज़ाइनिंग ले लो, इसका स्टफ ले लो, कोई जो है ना, आप एक ड्रेस लेते हो, देखो आपको जो है ना ब्रांड के और डिज़ाइनर ऐसे सूट जो है ना वो बहुत मिल जाएंगे आपको, 3-3, 4-4 हज़ार में भी मिल जाएंगे वही, लेकिन वो होती है कॉपी। अच्छा, ये स्लिप जो भी आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं पहले कल लेकर गई थी, दोनों के 8,000, मेरा जो है वो 8,500 का था और मेरी सिस्टर का जो है वो 8,500 का था। ये आपको कल की वीडियो स्लिप नज़र आ रही है। फिर जब मैं आपको अब ये वाली स्लिप जो मैं आपको निकाल रही हूँ, मैं पर्स में से निकाली थी, क्योंकि मैं ड्रेस चेंज करवाने आई थी। ये दोनों स्लिप जो है वो मैंने भाई को दी कि जो है मैं ये कल 24 तारीख को लेके गई हूँ, ये वाला ड्रेस, यानी कि मंगल वाले दिन आई थी मैं, ठीक है, और बुध वाले दिन जो है वो मैं रिटर्न करने आई हूँ इनको। तो ये वाली स्लिप मैंने भाई को दी और मैंने ड्रेस पसंद कर लिए थे, वो मैं आपको रिवील बाद में करूँगी मैंने क्या ड्रेस लिया, कैसा लिया, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के बाद में करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो भाई को मैं वापसी कर रही थी, मैंने सेलेक्ट कर लिए थे सूट, और ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैंने जो सिलेक्ट करे थे ना वो इससे भी महंगे थे, ठीक है। अभी आप स्लिप में देखिएगा कि भाई जो है वो कौन सी स्लिप बना रहे हैं, और ये जो है वो शॉप के ऑनर थे, बिज़नेस जो है इनके हैंडओवर होता है या इन्हीं का बिज़नेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हम उनसे जो है वो दूसरे ड्रेस की स्लिप बनवा रहे थे, उस पर माइनस करवा रहे थे पैसे, ठीक है, और हम मैंने जो दिया है, मेरी सिस्टर ने और मैंने, जो मेरा जो ड्रेस है ना वो 10,000 का है, और मेरी सिस्टर का ड्रेस जो है ना वो ड्रेस है मेरी सिस्टर का 12,000 का, ठीक है। तो 12,000 का नहीं, सॉरी, 11,000 का था मेरी सिस्टर का, और हमने जो है वो पैसे दे दिए थे। तो अब ये जो है वो हमारे से स्लिप ले रहे हैं, स्लिप लेकर जो है वो प्रीवियस जो है जो स्लिप है उसके जो है वो प्राइस काट कर जो है वो नई उसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं, और उन्होंने फिर उसके बाद हमें देनी थी स्लिप, ठीक है। तो इतना कोई बच्चों ने तो तक नहीं किया था, क्योंकि हम बच्चों को लेकर ही नहीं आए थे, और मैं तकरीबन आई हूँ यहाँ पर भी, मैं तकरीबन आई थी 7:15 पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि आपको पता है कि पॉलर को हैंडओवर करना और फिर उसको सारा सेट वगैरह करना, ठीक है, और जो है वो काम निपटा के आना, तो ये सब करते कराते जो है वो मुझे बच गए थे 7। हम वहाँ पर 7:15 तक पहुँचे थे, ठीक है, और ये 10,000 वाली स्लिप जो है ना ये मेरी है, मेरे सूट की, क्योंकि वो वाला सूट मुझे नहीं पसंद आया और जो मुझे सूट पसंद आ रहे थे वो मेरी मतलब इतने रेंज के नहीं थे, तो फिर मैंने जो है वो 10,000 वाला लिया। और ये वाली सिस्टर वाला जो सूट है ना ये है 11,000 का, और जो मेरी सिस्टर है उनका सूट भी बहुत बहुत ज़्यादा हसीन है। जब वो स्टिच होकर आ जाएंगे ना, मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगी कि मैंने कैसे ड्रेस लिया है, मेरी सिस्टर का कैसा ड्रेस था, तो आपने जो है वो कनेक्ट रहना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो भाई जो है हमसे जो है वो शॉपर जो ड्रेस जो है ना वो शॉपर वगैरह में ताल कर दे रहे थे, और ये भाई बोल रहे थे कि पापी ने बहुत ज़्यादा तंग करा है, पापी ने बहुत ज़्यादा तंग करा है। तो मैंने कहा भाई, जब ड्रेस लेने आते हैं ना तो कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं, कोई कस्टमर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो ड्रेस लेने के बाद अब यहाँ पर आ गए थे हम घड़ी वाले के पास। मेरी घड़ी मैंने इनसे दलवाई थी जब पिछले हफ्ते आए थे सूप वगैरह पीने, तो मैंने इनसे सेल दलवाया था। उसके बाद भी ऐसा हो रहा था कि ना घड़ी बार बार रुक रही थी, ऑर्डर रुक रही थी बार बार ना, तो यहाँ पर इनको मैंने दोबारा दिखाया, उन्होंने पता नहीं क्या किया, तो मैंने तो जब तक तो सही चल रही थी, तो हस्बैंड जो है वो घड़ी पहना दी दोबारा, ठीक है। उसके बाद अभी भी जो है ना वो घड़ी से मुझे याद आया कि मेरी घड़ी अभी भी रुकी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है।
बार बार चल रही है, बार बार रुक रही है, तो टाइम बार बार पीछे हो रहा है। अच्छा आप बोलेंगे कि चूड़ियों के आगे घड़ी कौन पहनता है, भाई मैं पहनती हूँ। ठीक है भाई, क्यों कौन चूड़ी उतारी, क्योंकि मेरी चूड़ी जो है ना वो बिल्कुल फिक्स वाली है, उसको जो है उतार इतनी जल्दी नहीं सकते, इसलिए जो है वो मैंने चूड़ी के ऊपर ही घड़ी पहनी थी। मैंने कौन सा शो है या फैशन जो हमें जाना है, मैंने आज के टाइम देखने के लिए ही घड़ी पहनी थी। और यहाँ पर जो है वो एज़ यूजल हस्बैंड आए, यहाँ पर आए और सूप ना पिए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज तो मैंने सूप बिल्कुल भी नहीं पिया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था सूप पीने को। तो इतना इसरार कर रहे थे हस्बैंड के, पी लो पी लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीना, आप ही पी लो। मुझे अंडे वाले पीने का भी दिल नहीं था, तो हस्बैंड ने जो है वो यहाँ पे लेग पीस लिया था ये देसी मुर्गी वाला, और हमने सूप वगैरह पी के अपनी घड़ी वड़ी से करा के फिर हम यहाँ पर बच्चों की जो है ना वो बच्चों की शॉपिंग करने आए थे कि क्या लेना है क्या नहीं। और पता है ये मोहम्मद बिलाल को ये वाली पैंट, वो इतना शॉप वाला कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आप ये चले ले लो, लेकिन मैंने कहा मेरा बेटा पहनता ही नहीं है, बड़ा वाला बेटा। तो वो काफ़ी कलेक्शन दिखा रहे थे, काफ़ी उन्होंने वैरायटी दिखाई ड्रेसेस की। मैं तो हस्बैंड को कह रही थी कि हम लोग ना गुल प्लाजा से ले लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जब तुम्हें यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं और मुझे भी अच्छे लग रहे हैं बच्चों के ड्रेस तो यहाँ से ले लो। तो इनके पास भी जो है नो डाउट बहुत अच्छी वैरायटी थी, ये सारी वैरायटी मैं गुल प्लाजा में देख चुकी हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अच्छी वैरायटी है, अब तो आ गया कि सर्दियाँ ही आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बच्चों के ड्रेस ही सिलेक्ट कर रहे थे कैसे हमें क्या लेना है कौन से कलर के। और एक तो बच्चों के जो है ना साइज़ का मसला आ जाता है, लेकिन मैं तो माशाल्लाह से साइज़ जो है वो एक दो नंबर बढ़ा ही लेती हूँ, उसके बाद भी जो है ऐसा होता है कि वो जल्दी से छोटा हो जाता है। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, माशाल्लाह जल्दी जल्दी से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे शाह फैसल में, ये वापसी का रास्ता था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम शाह फैसल में आके हम पी रहे हैं लिमका, ठीक है। और मैंने अपना बनवाया था ब्लूबेरी, और हस्बैंड ने बनवाया था अपना लीची। अच्छा ये नहीं इतना कोई ख़ास शौक से पीते, लेकिन मैंने कहा आज आप ट्राई तो करो, पियो तो सही। तो इन्होंने जो है ना फिर इन्होंने कहा अपनी मर्ज़ी से ले लो। फिर मैंने इनका जो है वो जो बनवाया था लीची, और अपना जो है वो ब्लूबेरी बनवाया था, और इतना कोई मज़े का था ना, काफ़ी टाइम बाद पिया है मैंने, लेकिन अभी भी उसकी वजह से गला ख़राब ऐसा हो रहा है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरा अभी तक व्लॉग देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई ये तो बहुत ज़ुल्म है ना, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कॉमेंट कर लो, अच्छे अच्छे कॉमेंट किया करो, ठीक है। वीडियो को अपनी शेयर कर दिया करो अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा सा लिक्विड डाला, फिर उन्होंने आधा चम्मच जो है वो काला नमक या अपना कोई मसाला था वो डाला, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक एक बोतल जो है वो सोडे की डाल दी, और उसके बाद जो है उसको मिक्सअप करके और ढक्कन लगा के स्ट्रॉ बना के दे दी, स्ट्रॉ लगा के दे दी। हमने जो है वो वही खड़े खड़े पी लिया था, क्योंकि हमें लेनी थी एक और सिम जो मोहम्मद बिलाल के मोबाइल में हमें लगानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिया, बड़ा टेस्टी था। अभी भी मेरा दिल कर रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मैं ये वाला जो है ना वो पी लूँ, जूस पी लूँ, लिमका पी लूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना वो मोहम्मद बिलाल की ना मोबाइल में जो लगाने के लिए सिम देख रहे थे, क्योंकि हमें तो बच्चों को मोबाइल सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए देना है, लेकिन ये होता है ना बाज़ औक़ात के वाईफाई बंद होता है या फिर नेट नहीं आ रहा होता है, तो हम जो है देखते हैं मोबाइल इधर उधर कहाँ पड़ा हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम कॉल कर लेते हैं। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि एक ना सिम लगा के रख लो मोबाइल में। तो फिर अब पहले भी जो है वो सिम लगाई थी, लेकिन वो अभी जब मोहम्मद बिलाल का मोबाइल रिसेंटली ख़राब हुआ था, मोहम्मद बिलाल का, मोहम्मद हसन का, दोनों बच्चों का है वो मोबाइल, तो उस समय क्या हुआ था कि सिम पता नहीं आगे पीछे हो गई या किसी शॉप वाले के पास रह गई। तो फिर हम लोगों ने न्यू सिम ली, लेकिन ये सिम दे रहे थे पहले का, मैंने कहा भाई कितने की सिम, उन्होंने कहा 50 रुपये की। मैंने कहा भाई पहले तो मैं फ्री में लेके गई थी, तो उन्होंने कहा फ्री में ले लो, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर जो है ना वो सिम ली, फिर नंबर जो है वो अपना एक्टिव करवाया, हस्बैंड अपने नाम से जो है वो एक्टिव करवाया, बायोमेट्रिक करवाई सिम। फिर उसके बाद लेने के बाद ना हम लोग जो है वो घर की तरफ ही निकल रहे थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, बच्चे जो है वो अम्मी के पास से पॉलर बंद हो चुका था। मैंने लड़कियों से वक्त पर वक्त जो है ना फ़ोन करके पूछते रह रही थी कि क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हो, और कोई आया है या लाइट आ गई तो आप जनरेटर बंद कर दो, पॉलर तो अगर छोड़ भी दो, मतलब पॉलर जो है वो छोड़ कर कहीं आपको जाओ, लेकिन आपने ना बार बार पूछते रहना जो है ना वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। सर सी बातें, एक आप एक किसी को पर जिम्मेदारी देकर जा रहे हो, तो लड़कियों को मैं ऐसे नहीं छोड़ती, बार बार फ़ोन करके पूछते रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बस जो है वो पॉलर लड़कियों ने बंद करवा दिया था। इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने सिम ली, और बच्चों का जो है ना, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, अपना इनके नाना अबू का भी फ़ोन आया कि बच्चे तंग कर रहे हैं, जल्दी से ले जाओ बच्चों को, बच्चे जो है ना बस हो गई है, मम्मा मम्मा कर रहा है मोहम्मद हसन और मोहम्मद बिलाल भी। तो बस हम लोग यहाँ पर ना, फिर हस्बैंड ने कहा कि ना बच्चे देख कर ना क्या बोलते हैं खुश हो जाएंगे, इनके लिए ना चॉकलेट ले लेते हैं। तो मैंने कहा ये भी सही बोल रहे हैं, जैसे हस्बैंड ने आइडिया दिया था कि चलो बच्चों के लिए ना हम चॉकलेट वगैरह ले लेते हैं, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे से चॉकलेट देखी, लेकिन हमें यहाँ पे ना डेरी मिल्क वाली या फिर वो दूसरी वाली ना नहीं मिली। तो फिर हम लोग आगे की तरफ आए, ये हमारा जो है वो 3 नंबर का बाज़ार है, और कोई इतनी रौनक लगी हुई होती है यहाँ पे, हर टाइम होते हैं खाने वगैरह की। और अगर आप शाह फैसल से हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप शाह फैसल से हो या कहाँ से हो। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये वाली चॉकलेट ली, ये 60 वाली थी, ये मैंने 2 चॉकलेट ले ली थी।
ताकि बच्चे देख के जो है ना वो खुश हो जाए। और वाकई में नो डाउट अभी आप एक्सप्रेशन चेक करिएगा बच्चों के, बच्चे जो है वो काफ़ी खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेशन चेक करना था मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल का है मोहम्मद हसन, ये लो चॉकलेट, हसन ये लो, ओ भाई मोहम्मद हसन ये लो, मोहम्मद हसन ये, थैंक यू तो बोलो मोहम्मद हसन, बाबा से खुलवा लो, जाओ बाबा खोलेंगे ये, मोहम्मद बिलाल ये लो, हाँ थैंक यू नहीं बोला, हाँ वाओ कहाँ है चूहा, हैं चूहा चूहा कौन सा चूहा, ओ चूहा कह रहे चूहला। तो जी जनाब, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉपिंग जो है वो जो भी लाए थे हमने अम्मी को दिखाई और बच्चों को लिया, और अम्मी ने जो है ना वो बच्चों का दूध बॉयल कर दिया था क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैं हमने जो है वो दूध बच्चों का बॉयल वो रात में पीते हैं तो वो मैं बोतल में भरकर जो है वो घर ले आई थी। खूबसूरत आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में, अनमोल खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिए, वीडियो को जो है वो लाइक कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।